नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। मऊरानीपुर के सिजारी बुजुर्ग में हाई टेंशन विद्युत लाइन से निकली चिंगारी से आग लगने से किसानों की फसलें हुई नष्ट। मौके पर पहुंचे किसान नेता। ग्राम सिजारी बुजुर्ग में खेतों के ऊपर से निकली 11,000 की हाई टेंशन विद्युत लाइन के तारों में स्पार्किंग होने से निकली चिंगारी से लगभग 25 बीघा खेत में आग लग गई, जिससे गेहूं की पकी हुई फसलें जलकर राख हो गई और जिसके कारण किसान सदमे में आ गया था। अब उसको अपने परिवार के भरण पोषण शाहूकारों व बैंकों से लिया गया कर्ज को चुकाने की चिंता सताने लगी है। किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए कई प्रकार से आग बुझाने का प्रयास किया। लेचूरा से पुलिस किसानों के खेतों पर पहुंची और मऊरानीपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी फसल जलने के बाद लगभग एक घंटे बाद पहुंची, जब तक किसानों ने खेत में लगी आधी आग पर काबू पा लिया था। जानकारी लगने पर मौके पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार व किसान सेवक शेखर राज बड़ौनिया किशोरी यादव भी पहुंचे और वहां पर पीड़ित किसानों से मिले और उनको ढाढ़स बंधाया और कहा कि शासन व प्रशासन तत्काल किसानों के खेतों का सर्वे कराकर उनको आर्थिक मदद कर मुआवजा दिया जाए, वरना किसान कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर उदयराज सिंह, हरिश्चंद्र मिश्रा, अमोल अर्जुन, भगवान सिंह, गोविंद सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। मऊरानीपुर से संजीव तिवारी गुड्डू की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? उदयराज सिंह। कौन सा गांव है? सिजारी बुजुर्ग। ये आग कैसे लगी है आपके खेत में? ये लाइट की स्पार्किंग से लग गई है। तो कैसे फिर काबू किया आग को? गांव वाले जुड़े, इन लोगों ने लाइट आग पे काबू की, इसके बाद फायर ब्रिगेड आई, जब आग कंट्रोल में हो चुकी थी। तो कितना नुकसान हो गया? अब पूरा खेत जल गया साहब, हमारा 7 बीघे का। अब खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या नाम भैया? शैलेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? ये सिजारी बुजुर्ग। ये आग लगी है आपके गांव, कैसे लगी? ये तार की जो 11,000 लाइन कड़ी है, इसमें स्पार्किंग हुई, तार लूज है, इस वजह से स्पार्किंग हुई तो चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने के बाद आग पकड़ गई। वो आग इतनी पकड़ी कि 15 मिनट के लगभग पूरा खेत जल के राख हो गया। फिर जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो किसी ने मट्टी डाली, किसी ने जो गाजर घास खड़ी थी लुखैया द्वारा उसको काबू में की। फिर गांव से 2-3 लोग ट्रैक्टर भी लेके आए, फिर उसमें हर से जोता उसको, जिससे आग दूसरे खेत में नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी 1-2 खेत आसपास के बगल के जल के राख हो गए।